कमल के फूलों से सुशोभित श्री नैना देवी का प्राचीन ऐतिहासिक सरोवर कोलावाला टोबा, जिसमें श्रवण के महीने में स्नान करने से होती हैं मनोकामनाएं पूर्ण। जी हाँ, कमल के फूलों से सुशोभित श्री नैना देवी का प्राचीन अद्भुत सरोवर कोलावाला टोबा श्रद्धालुओं की अपार आस्था का केंद्र है। श्रवण महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सरोवर में स्नान करके अपना जीवन धन्य करते हैं। श्री नैना देवी में श्रवण का महीने में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। जैसे ही श्रवण का महीना शुरू होता है, ऐसे ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचना शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु सबसे पहले कोलावाला टोबा पड़ाव स्थल पर रुकते हैं। प्राचीन समय से ही परंपरा चलती आ रही है। वहां पर कई श्रद्धालु जो पैदल यात्रा करते हैं, स्नान करके मंदिर के लिए निकलते हैं। इसके अलावा जब श्रद्धालु दर्शन करके पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं और जब इस तालाब में स्नान करते हैं, तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। और ये भी मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से श्रद्धालुओं के जादू टोने का नाश होता है। इसलिए श्रवण महीने में श्रद्धालु तालाब में स्नान करते हैं। और इस बार हालांकि श्रवण का मेला स्थगित कर दिया गया है, इसलिए ये कोलावाला टोबा सरोवर सावन के महीने में इस बार खाली नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कमल के फूल खिले हैं और यही कहा जाता है कि श्रद्धालु नहाने के उपरांत कमल के फूल यहां से तोड़कर ले जाते थे और मंदिर में माता के चरणों में अर्पित करते थे। मंदिर न्यास ने इस कोलावाला टोबा सरोवर के सौंदर्यकरण पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। हालांकि मंदिर न्यास का ये निर्णय काफी कारगर सिद्ध हुआ, जिसके चलते सरोवर के बीच में कमल के फूलों के लिए कच्ची जगह छोड़ दी गई है और बाकी सारा सरोवर टाइल लगाकर पक्का कर दिया गया है, जिससे आज भी इस सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं, जो कि इस सरोवर की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। हालांकि यहां पर मंदिर न्यास के द्वारा स्नान करने के लिए महिला और पुरुषों के लिए स्नानागार का निर्माण भी किया गया है। स्थान महामाई के चरणों में टोबा स्थान पर स्थित है। यहाँ पे माता जी का जल और यहाँ कमल के फूल खिलते हैं और हर साल जो यात्रा चलती है, नवरात्रे चलते हैं, तो उसके दौरान यात्री श्रद्धालु यहाँ पे स्नान आदि करके माता के दर्शनों के लिए जाते हैं और यहाँ से शुभ आशीर्वाद लेके जाते हैं।